दिल्ली सरकार का ये निर्देश पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे शेयर करते हुए दिल्ली सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसा क्या कहा गया है इस निर्देश में, आइए आपको बताते हैं। दरअसल शिक्षा निर्देशालय ने कक्षा 1 से 12 तक के अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करने की घोषणा की है। इस घोषणा पत्र को भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हरीश खुराना ने शेयर किया और दिल्ली सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया। वहीं इसे मुस्लिम छात्रों के लिए सॉफ्ट कदम बताते हुए भाजपा प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी और भाजपा कार्यकर्ता रविंदर सिंह नेगी ने भी शेयर किया है। लेकिन इस आदेश में ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ मुस्लिम छात्रों को ही फीस वापस होगी। ऑल्ट न्यूज ने वायरल दावे की जांच के लिए कीवर्ड सर्च किया। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस आदेश की एक कॉपी है। खबरों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों के अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करने का निर्देश जारी किया था। आदेश में अधिकारियों को अल्पसंख्यक छात्रों की साल 2020-21 और साल 2021-22 की ट्यूशन फीस की रिफंड प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। लेकिन ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि ये पॉलिसी सिर्फ एक विशेष धर्म के छात्रों पर ही लागू की जाएगी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट में बताया गया है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1999 के अनुसार अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल है, यानी इन सभी धर्मों के छात्रों की फीस वापस की जाएगी। हमने देखा कि इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी है। SC ST कल्याण की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 2 लाख रुपए प्रति वर्ष के कम की पारिवारिक आय वाले छात्र फीस की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये SC ST OBC अल्पसंख्यकों पर लागू है। कुल मिलाकर शिक्षा निर्देशालय की घोषणा के मुताबिक दिल्ली में क्लास 1 से 12 के सभी अल्पसंख्यक छात्रों की फीस वापस की जाएगी, जिसमें मुस्लिम धर्म के अलावा बाकी अल्पसंख्यक छात्र भी शामिल हैं।